नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर किरण कृतानी मैं कैट्रेट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ सेंटर फॉर साइट में हमसे बहुत कॉमनली ये सवाल पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी सेफ प्रोसीजर है या नहीं पहले ये जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी आखिर होता क्या है चश्मे के नंबर को जिस भी पद्धति से हम हटाएं जिस भी टेक्नोलॉजी से टेक्निक से हम हटाएं उसे हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी हेड के अंदर डालते हैं अब आते हैं सवाल पर कि ये सेफ प्रोसीजर है या नहीं इस सवाल का जवाब मैं दो आस्पेक्ट्स में देना चाहूंगी पहला ये कि क्या रिफ्रैक्टिव सर्जरी सेफ प्रोसीजर है और दूसरा ये कि क्या ये आपके लिए सेफ प्रोसीजर है या नहीं सो फर्स्ट एस्पेक्ट में आए तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी तीस साल से भी ज़्यादा वर्ल्ड में परफॉर्म की जा रही है और इस टेक्निक और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है इसलिए इसने बहुत अच्छे से इवॉल्व किया है कोई भी चीज जो टाइम को टेस्ट ना कर पाए वो अपने आप इवोल्यूशन से बाहर हो जाती है बट लेसिक सर्जरीज और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आर ओनली विद टाइम ओनलीफ डी ए ने इसे अप्रूव करके रखा है यूएस मिलिट्री नासा सबके लिए एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी अप्रूव्ड प्रोसीजर है जो कि लोग करा सकते हैं आता है सवाल कि क्या ये आपके लिए सेफ है या नहीं इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति की आँख यूनिक है उसके सारे टेस्ट यदि नॉर्मल आते हैं जिन्हें हम लेसिक प्रीवर्कअप कहते हैं ये सारे टेस्ट यदि नॉर्मल आते हैं तो ही हम आपकी आँख को सेफ कंसिडर करते हैं इस सर्जिकल प्रोसीजर के लिए बेसिक पर्पस इज कि यदि हम कभी भी आपकी आँख पर सर्जरी करते हैं तो लेजर की वजह से आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपकी पुतली इस प्रोसीजर के लिए इस सर्जरी के लिए सेफ है या नहीं ये आपके सर्जन आपके टे थॉर चेकअप ही आपको बता सकते हैं धन्यवाद